Hey guys, namaste, sasrikaal, wanakam, assalamu alaikum. This is Tarif and welcome back to another new video. क्या है आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट, वो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से और कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू. इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं क्यों इम्पॉर्टेंट सजेशंस दे रहा हूँ आप लोगों को, वो इसलिए क्योंकि आप लोग जैसे इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे लिखने के लिए जा रहे हैं, उसी तरह मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम को लिखा है, प्रिपेयर किया है और क्वालिफाई भी किया है. नॉट जस्ट JNU एंट्रेंस एग्जाम बट जामिया का, DU का, न्यूपा का, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लिखा है MPhil में, PhD में, मास्टर्स में. और क्या पैटर्न मैंने यूज़ किया है, क्या स्ट्रेटजीज से मैंने क्वालिफाई किया है, उसी तरह आप लोगों को भी मैं सोच रहा हूँ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में. सो स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, मगर उससे पहले आप सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के भाई ये विनती है, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो YouTube चैनल पे न्यू है, वो जल्दी जल्दी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो. स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी फर्स्ट थिंग से. फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनेशन पैटर्न सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव का पैटर्न पता था कैसे क्रैक करना है एंट्रेंस को, मगर ऑब्जेक्टिव कैसे क्रैक करना है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. तो भाई ऑब्जेक्टिव क्रैक करने का जो एक सिंपल मेथड है, वो चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे जामिया का हो या किसी और तरह का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसको क्वालिफाई करने का सेम मेथड रहता है. उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, या हम उसको कहते हैं एजुकेटेड गेस. वो चीज़ आप लोग अप्लाई करोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जब आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने पढ़ा अगर होगा थोड़ा बहुत, उसके लिए पढ़ना होगा, ये नहीं है कि आप आओगे जस्ट गैस लगा दोगे इंकी पिंकी पोंकी या अक्कड़ बक्कड़, वैसा गैस बिल्कुल नहीं चलेगा भाई. थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड आपके स्टडी होना चाहिए. चार ऑब्जेक्टिव है, देखते ही आप लोगों के पास 1.8 मिनट है एक ऑब्जेक्टिव के लिए. अगर 180 मिनट्स टोटल हैं तो आप लोगों के पास दैट मीन्स 100 ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1.8 मिनट है. तो आप फर्स्ट 30 सेकंड्स आप लोग देख सकते हो, दो ऑब्जेक्टिव को एकदम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा रूल आउट कर दो. अब आपके पास बच गए दो ऑब्जेक्टिव, उन दो ऑब्जेक्टिव को भी अगर आपने पढ़ा होगा तो एजुकेटेड गैस लगाना है. एजुकेटेड गैस लगा के आपने एक को एलिमिनेट करना है. वो मेथड होता है ऑब्जेक्टिव को क्रैक करने का. उस तरह आप लोग 50-50 सिक्योर कर पाओगे कि यस 50% वो आपका ठीक भी हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है. ऐसा नहीं है आप जस्ट बैठे टिक करके आगे, नो दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया. अगर आप लोग सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, हम लोगों को पता है नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, 100 के 100 ऑब्जेक्टिव टिक करके आ जाएंगे, दैट इज़ रॉन्ग. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव को टिक करोगे, मगर एक एजुकेटेड गेस के थ्रू, एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू. वो टेक्नोलॉजी आपको, वो टेक्निक आप लोगों को अप्लाई करनी है, तभी आप लोग जाके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से क्रैक कर पाओगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ये मतलब आपके बगल में फंसे हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे स्टूडेंट जाके प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. अब बहुत से स्टूडेंट भाई मेरे से लगातार पूछ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिस किया जाए. भाई आप लोगों के लिए की कन्वीनियंस के लिए मैं आप लोगों को नीचे बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. NTA की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन होगा. डाउनलोड सेक्शन को जब आप लोग क्लिक करोगे, वहाँ पे तीन चार तरह के, काफ़ी सारा के ऑप्शन आएंगे. JNU का आएगा, UGC का आएगा, CSIR का आएगा, AIEEE का आएगा. आपको JNU वाले सेक्शन में जाना है. JNU वाले सेक्शन में जाओगे, सब्जेक्ट का नाम क्लिक करोगे, 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर 2 साल के वहाँ से निकल के आ जाएंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो. उसके बाद उसी NTA की वेबसाइट पे UGC के क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के लिए. वहाँ पे जाओ, वहाँ क्लिक करो, UGC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उनको प्रैक्टिस करो. वो अब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं उनकी गलती माफ. जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर ऑप्शन भर रहे हैं फॉर्म में, तो भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है बार बार 3 ऑप्शन भरना, एक ऑप्शन मत भरना. एक ऑप्शन भरोगे दैट मीन्स
आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तीन ऑप्शन भरोगे इसका मतलब यार कहीं से गिरोगे, कहीं तो अटकोगे भाई। मेरे साथ पर्सनली आपको अपना केस बता रहा हूँ, ये हुआ था कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल रिलेशन में भरा था, मुझे मिला नहीं। सेकंड ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस था, वही मुझे मिल गया क्योंकि फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसलिए आप लोग भी तीन ऑप्शन भरना, एक ऑप्शन कोई भी मत भरो, थोड़ा बहुत फी का फ्लक्चुएशन है उसको किसी तरह से कंप्रोमाइज कर लो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल रिलेशन उनको पढ़ रहे हैं, उनमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो भाई वो जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो अच्छे से रिपीट कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता तो मैं आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस को टोटली इलिमिनेट कर देता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आप लोगों के लिए रिविजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट है। उसके बाद पीएचडी के लोगों के लिए, जो भी भाई लोग बहन लोग अपना पीएचडी क्वालिफाई करना चाहते हैं जेएनयू में, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके जेएनयू के प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन किया गया है, 50% फोकस रिसर्च मेथोडोलॉजी पे रखो क्योंकि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आने वाली है। 30% है वैसे, 70% रिटर्न और 30% वाइवा, उस 70% में से भी 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, भाई ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बुक्स भी बहुत है, मगर अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो सीआर कोठारी की बुक मेरे हिसाब से रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीआर कोठारी की बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग कन्वीनियंस है तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बिना मॉक टेस्ट किए हुए आप लोग मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाना, धोखा खा जाओगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो और मोबाइल से मत प्रैक्टिस करना प्लीज़, किसी साइबर कैफ़े में बैठ जाओ। अगर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं है साइबर कैफ़े में बैठो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक बार बैठ के भाई 3-4 पेपर प्रैक्टिस कर लो। मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आपका 80% जो होगा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, आपको एक संतुष्टि मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन। इसलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, एनटीए की वेबसाइट के पे जाके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है लेन टेस्ट, इसलिए मॉक टेस्ट को मत भूलना। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट चॉइस जिन जिन लोगों ने भरा है उस फर्स्ट चॉइस के पेपर को तो भाई बिल्कुल किसी तरह का लिहाज मत करना, किसी तरह का भी लिहाज। अगर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जो भी भरा है, फर्स्ट चॉइस के पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, बाकी फ्रेश मटेरियल ज़्यादा मत पढ़ो। बार बार कह रहा हूँ भाई, हर बार कहूँगा, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो। आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के भी, जिनको मैंने अपनी सजेशंस में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बाकी रही बात, अब आप लोगों तक सावन का मौसम है, बारिश का भी मज़ा लो, इंजॉय करो, मगर बीच में बैठो कमरे में, चाय की चुस्की लगाओ गर्मा गर्म और स्टडी पे फोकस करो एकदम मस्त तरीके से। मिलते हैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी जेएनयू कैंपस में, एंट्रेंस क्वालिफाई करो। होपफुली मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस के लिए या आगे आने वाली सजेशंस दूंगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।